ओके सो गाइस, आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम लोग के पास एक सिंपल सी टॉपिक है, बैक्टेरिसाइडल वर्सेस बैक्टेरियोस्टैटिक। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बैक्टेरिसाइडल मीन्स क्या होता है, बैक्टेरियोस्टैटिक मीन्स क्या होता है, इसमें हम लोग सिंपल सी चीज़ आज देखेंगे कि दोनों में होती क्या है। जैसे कि बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, बहुत सारे, स्पेशली आप एंटीबायोटिक ले लो तो बहुत सारे जो एंटीबायोटिक होते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी आप उसे बोल सकते हो, तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि बैक्टेरिसाइडल होते हैं, एंड कुछ होते हैं ऐसे जैसे कि बैक्टेरियोस्टैटिक होते हैं, जिसमें बैक्टेरियोस्टैटिक की प्रॉपर्टीज होती है, कुछ में बैक्टेरिसाइडल की प्रॉपर्टीज होती है। तो बैक्टेरिसाइडल मीन्स होता ये है कि वो कम्प्लीटली वो किल कर देगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे कम्प्लीटली वो किल कर देगा। एंड बैक्टेरियोस्टैटिक का मीनिंग होता है कि वो स्टैटिक मीन्स सिर्फ वो प्रिवेंट करेगा, या फिर तो ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा, या फिर तो किसी भी तरीके से उसे बस उसकी जो ग्रोथ है उसे बस प्रिवेंट कर देगा, उसे स्टॉप कर देगा। एंड देन कि उस कंडीशन में उसकी सिर्फ ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी बट वो कम्प्लीटली किल नहीं होगा। लेकिन क्या कि बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक जो ग्रोथ के बाद भी उसे किसी भी डिजीज पे वहाँ पे ओवरकम हो सकता है। ओके, देन फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे जो बैक्टेरिसाइडल जो है वो दैट मीन्स कि बैक्टेरिसाइडल रेफर्स टू एंटीबायोटिक दैट किल द बैक्टीरिया, जैसे कि मैंने अभी बोला कि बैक्टीरिया को पूरा कम्प्लीटली वो किल कर देगा। द नेक्स्ट इज एक्शन इज इरिवर्सिबल, जो एक्शन होगा उसका वो इरिवर्सिबल होगा। ओके, द नेक्स्ट इज इट इनहिबिट द सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। ओके, बैक्टीरिया में सारे लोग जानते हैं कि एक सेल वॉल होती है, तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल होती है, ओके, सेल की वॉल, वो क्या होती है, स्टॉप हो जाता है, क्या उसकी जो फॉर्मेशन होता है वो कम्प्लीटली क्या करता है, इनहिबिट हो जाता है, पूरा स्टॉप हो जाता है। अब जैसे अगर उसका सेल वॉल पूरा इनहिबिट हो जाएगा, दैट मीन्स कि जो बैक्टीरिया रहेगा वो क्या होगा, किल हो जाएगा। द नेक्स्ट इज डू नॉट वर्क विद द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, ये क्या करता है, बैक्टेरिसाइडल जो होता है वो होस्ट की जो इम्यून सिस्टम है उसके साथ किसी भी टाइप का वो वर्क नहीं करता है। ओके, किसी भी टाइप के उसमें डिस्टर्बेंसेस नहीं आते। बट नेक्स्ट हम लोग अभी ये देखेंगे कि बैक्टेरियोस्टैटिक में क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें बैक्टेरियोस्टैटिक में जो फर्स्ट है वो है बैक्टेरियोस्टैटिक रेफर्स टू एंटीबायोटिक दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसे क्या होता है, स्टॉप कर देता है। ओके, उसे किल नहीं करता बट क्या, स्टॉप कर देता है। तो सपोज कि एक बैक्टीरिया पहले से, एंड देन फिर से अगर उससे एक और बैक्टीरिया बन जाए, एंड देन कि ऐसी मल्टीप्लाई होते रहे, तो मल्टीप्लाई अगर होता रहेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन केस में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो डिजीज़ है उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, जो बैक्टीरिया से जो डिजीज़ कॉज हुआ है वो सीवियरिटी उसकी इंक्रीज करते जाएगा। उस कंडीशन में अगर बैक्टीरिया पे अगर हम लोग ओवरकम कर ले, या फिर तो उस पे अगर हम लोग काबू पा ले, तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है उसको हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। और ग्रोथ को डिक्रीज करने के लिए बैक्टेरियोस्टैटिक, यहाँ पे तो बैक्टेरियोस्टैटिक रेफर्स टू एंटीबायोटिक दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, उसकी जो ग्रोथ होगा वो स्टॉप कर देगा, एंड देन कि वो कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। द एक्शन इज रिवर्सिबल, इसमें क्या है कि एक्शन इज रिवर्सिबल, दैट मीन्स कि दोनों से कनेक्ट होगा। ओके, द नेक्स्ट इज इनहिबिट द DNA रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। आपको सबको पता है कि जो भी जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटीन पे बेस्ड होते हैं। ओके, अगर किसी भी लाइफ है, कोई भी लाइफ है या फिर तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी अगर प्रोटीन का सिंथेसिस अगर बॉडी में स्टॉप हो जाए, ओके, तो इससे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस जैसे ही ऑफ होता है, जैसे ही स्टॉप हो जाता है, वैसे क्या होगा, वो जो सेल होगा उसका स्लोली डाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्लोली सेल अगर पूरा डाई होना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल है कि ऑर्गेनिज्म भी डाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ इनहिबिट द DNA रेप्लिकेशन, DNA का रेप्लिकेशन इनहिबिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा वो, एंड देन प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया विल बी स्टॉप डेफिनेटली। द नेक्स्ट इज वर्क विद द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है, ओके, उसका यहाँ पे कनेक्शन है किससे, इम्यून सिस्टम से। तो इम्यून सिस्टम जो है वो यहाँ पे सिंपल सी चीज़, ये जो होस्ट होगा, ओके, तो उसके इम्यून के साथ कुछ ना कुछ वर्क होगा। बैक्टेरियोस्टैटिक जो एजेंट आप यूज़ कर रहे हो, जो एंटीबायोटिक जो आप यूज़ कर रहे हो स्पेशली, ओके, अब क्या करती है ये, और क्या करते हैं, इस कंडीशन में बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, ओके, उसके रिप्रोडक्शन का ग्रोथ है, वो क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। दस वी कैन ओवरकम फ्रॉम द एनी डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यू कैन से बैक्टीरिया। ओके, तो आज का हमारा ये स्मॉल सा टॉपिक था। ओके, सो यू कैन लाइक द वीडियो ओनली। सो एट लास्ट,
कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।